मुख्तसर थोड़े कहे को ज्यादा समझिएगा कि इट वॉज जस्ट अ जेस्चर ऑफ कर्टसी, सिर्फ कर्टसी के लिए मैंने रिमूव कर दिया। मुझसे कप्तान ने भी पूछा था, वो तुमने रिमूव कर दिया क्यों? मैंने उन्हें भी यही कहा था कि कर्टसी थी और दैट्स इट। लेकिन ये भी नहीं कि इस पर बड़ा खुश हूं कि उसने जहां जहां पहुंचना था वो पहुंच गया, क्योंकि किसी का ध्यान उसमें पड़ा जब दो घंटे हो गए थे उसे, और सर अच्छे खासे व्यूज भी आ चुके जी जी जी। और मैं अगर उसको डिलीट ना करता, रिमूव ना करता, तो अब तक मेरे 2 मिलियन व्यूज सिर्फ इसके ऊपर आ चुके होते, क्योंकि इतनी बड़ी खबर थी जो मैं ब्रेक करने जा रहा था। लेकिन बात चीजें होती है, लोग रबर रवि में कह देते हैं कि जी आप जाएं और कर दें ये, बाद में कहते हैं आई डिडंट मीन इट। आपने कभी देखा कि ऐसा होता है कि यार मैंने कब कहा था कि ये करो? आप कहते हैं जी आपने ये कहा था, आई डिडंट मीन इट। वो ये नहीं कहते कि आई डिडंट से दैट, आई डिडंट मीन इट, मैं तो गुस्से में था, इस्तराब में था, गम में था, सोग में था, मेरे मुंह से बात निकल गई, दैट डज नॉट मीन कि तुम जाकर इसका इश्तहार लगा दो। जब आप एक बात कैटेगोरिकली पूछें किसी से कि सर मैं ये कर दूं, और आप कहें कि ठीक है कर दें, और बाद में कहें कि नहीं ये उस वक्त आपने इस्तरारी कैफियत में पूछा था, तो फिर उस वक्त जाहिर है परेशानी तो होती है। लेकिन एक शख्स जिसकी दिलाजारी हो रही हो, एक शख्स जिसको ये बातें करके बाद में एहसास गुनाह होता है ना, जैसे जी गलती का एहसास ही नहीं, एहसास गुनाह, यार ये बात होनी ही नहीं चाहिए थी, ये बदबूदार बात है, ये एक बिटरनेस और बैड फीलिंग्स को जगह देगी, तो इसको नहीं होना चाहिए। उस वक्त फिर जो बेस्ट था वो मैंने कर लिया, और मुझे इसकी बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है इसकी कि मैंने फीलिंग्स हर्ट नहीं होने दी। जितनी हर्ट हो चुकी थी किसी की वो नेचुरल था, मैंने फौरन फौरन उसको रेस्क्यू किया, हालांकि मैं बिल्कुल बाउंड नहीं था, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं था, ये खुदा गवाह है, और ना ही मैं प्रेशर वेशर में आकर इस तरह काम करता हूं, मुझसे जब भी कोई करता रिक्वेस्ट ही करता।